आज ट्रैक करना है गमजू की पहाड़ी को। सामने एक छोटा पहाड़ है, पीछे थोड़ा उससे और बड़ा है। यहाँ से 45 डिग्री का एंगल में चढ़ना पड़ेगा अपने को। पैर के ग्रिप को अच्छे से जमा लेना ना चढ़ने से पहले, फिसले मत। पत्थर टूटा टूटा है, देख लेना। ज्यादा थकावट लगेगा तो मत लाना उसको, वहीं बैठा देना जगह ढूंढ के, आते समय हम लोग उठा लेंगे उसे। छाया देख के बैठा दे उसको। आओ चल अपन देखते हैं इधर क्या है आगे। अब ग्रिप बना के आना, एक बार एक तो डंडा ना तोड़ के रख ले ये हाथ में, इसको बना के लाठी टाइप का। बहुत सावधानी है ना, छोटा छोटा पत्थर तुरंत लुढ़क जाएगा। यहाँ नीचे है फिर सीधा यहाँ से। देखने में एकदम छोटा दिखते हैं इन लोग, चढ़ोगे तो पता चलेगा। चारों तरफ चढ़ते समय बिल्कुल इस चीज का ख्याल रखिए आप कि आपके पैर का ग्रिप कैसा है, क्योंकि यदि ऊपर से अपन फिसल गए ना तो दिक्कत हो सकता है अपने को बहुत। वो देखिए एक मंदिर टाइप से है, मठ। आ जाओ तुम लोग भी। एक डंडा पकड़ ले आगे थमने के लिए, और जहाँ दिक्कत होता है वहां पर बैठ जाना तुरंत। अब पानी मैं रखा हूँ सबके लिए इसमें, बैग में अपने। इस पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ है बड़ा, और अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आप लोग को वो है, बहुत आप लोगों को दशहरा में भेजा जाता है, ये है सोन पत्ता। ये है सोन पत्ता जिसको दशहरा में बेच के बधाई दिया जाता है ना, ये है वो पत्ता।
जब भी आप लोग पहाड़ चढ़ने जाते हैं ना, तो ज्यादातर पिक्चरों में आपको दिखाता होगा केला, सेब, नारियल, इस टाइप का कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन खाने के लिए मिलेगा आपको ना। तो ये देखिए, ये मकोई है, और इसमें से आप लोग ये जो काला हो सकता है ना, काला हो जाता है जो, इसको आप चुन के तोड़ लीजिए, और इसमें बहुत कांटे होते हैं। ये बड़ा सफाई से आप तोड़िए, कुछ मात्रा में आपको भूख को कवर कर लेगा, ज्यादा मात्रा में आप यदि खाएंगे इसको तो। बेर होता है ना, बेर, बेर टाइप का ही एक मकोई भी है, जिसको आप तोड़ के यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए, इसमें बहुत कांटे होते हैं। ये खाने के लायक रहता है, ये आप खा सकते हैं, अच्छा लगता है टेस्ट इसका। लो, अरे वही गिरी खोजे है, छोटा छोटा ना, अच्छा लग रहा है खाने में ना। इसके बाद जब खाएगा तो बार बार जीभ कर रमंजने का मन कर रहा है। उसके अंदर चिरौंजी रहता है, उसको फेंक दिया का तुम लोग को, ऐसे चगल के उसको चबा के दे, अंदर उसके चिरौंजी रहता है। मैं निकल लिया, जिमी का अंदर जैसे पकता है इसको। अब देखते हैं हम लोग को आगे जाने के लिए रास्ता यहाँ से मिलता है कि यही सबसे टॉप है। लग तो रहा है कि हम लोग और चढ़ सकते हैं अभी। देखते हैं आगे चढ़ के, उसके बाद सबसे टॉप पे अपन पहुंच जाएंगे। अब मैं टॉप तक पहुंच गया हूं, और देखता हूं उस टॉप में खड़े रहने में कैसा महसूस होता है। यहाँ से चारों तरफ का नजारा अब एक बार देख लिया जाए। वो एक पिरामिड टाइप की पहाड़ी, जूम करके देख लेते हैं। अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, पानी भी है एक छोटा सा ताल टाइप से, उतरे तो दिख जाएगा वो भी। लंबा घूम के तो चढ़ गए हैं, अब उतरने के लिए एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा, और कुछ हद तक तो यही ठीक लग रहा है। तुम लोगों को किसी को पानी पीना है क्या? ये छाया में रुक रहा हूँ, मेरे पीछे बैग से निकालो पानी बॉटल। जब भी आप लोग ऐसा आते हैं, कभी चढ़ने का मौका लगता है ना, तो पानी का बॉटल जरूर रखें, कहीं बहुत प्यास लगती है चढ़ते टाइम, और कम कम पानी पिए। हाँ, शायद रास्ता बंद हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये एक सूखा हुआ झरना है, यहाँ से पानी नीचे गिरता था पहले, पानी के धार से पूरा पत्थर कट चुका है यहाँ। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि झरने से किनारे किनारे या झरने से होके ही मैं नीचे उतर जाऊँ, तो
बहुत सही था। धीरे धीरे आना तुम लोग, आराम से आओ, धीरे धीरे पेड़ पकड़ के आना। यहाँ पर भी खड़ी है पूरा झरना का, देख रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे रखना बाबू, मेरे को पहले जान दे। ओहो, खड़ी है पूरा एकदम स्लोप है, बहुत बैठ के आना यहाँ पर से तुम लोग ना, मेरे बैग का कोई सामान गिरे मत, थोड़ा देख लेना पीछे ना तुम लोग। हाँ रुक रुक के आओ, अब यहाँ तक तो आधा तो उतर गए हैं, पता चलता है आगे के लिए रास्ता नहीं है। अब यहाँ यहाँ बहुत कांटा वाला झाड़ी है, थोड़ा इसको छूना मत तुम लोग ना। बन रहे हैं आते, यही साथ आओ, वहां बैठ के आओ, उधर बहुत रद्दी है बाबा, इस तरफ से मत आओ, उधर से रद्दी मत आओ, उधर से। ये तो बताया था ना मैं, मैं बता रहा हूँ वहाँ से आएगा आशी, यहाँ से। हाँ वो नाली नाली बैठ के आ वहाँ से, यहाँ से नहीं बैठ पाएगा। जहाँ से हम लोग अभी फिसलते हुए उतर चुके हैं और अभी नीचे ये नाली नाली जाए चाहे इसमें से जाए, नीचे अभी भी अपने पास बहुत नीचे जाना है, आधा ही आए हैं अभी तो अपन। हाथ पकड़ लो तीनों, एक जन का एक दूसरे का, एक गिरे तो दूसरा संभाल लेगा कम से कम। उतरते टाइम थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप पेड़ को ढंगाल पकड़ते हैं तो जहां तक वो मुड़ के आपके साथ में जाता है वहां के बाद उसको छोड़िए आप। कोई भी ढंगाल आपके पीछे आपको मिलता है तो ऐसे उतारू में आप डंडे का सहारा ना लेते हुए पेड़ का सहारा लीजिए और जहां तक वो पेड़ से डंगाल जाए वहां तक आप उसको मोड़ के ले जाइए अपने साथ में। हम लोग लगभग नीचे के ढलान में आ गए हैं और जहाँ से रास्ता दिखता है वहां से बुलक के अपन निकल सकते हैं। यहाँ से पीछे आते जाना मेरे, उतर गए नीचे हम लोग। आ जाओ